माँ बहनों से माजरत के साथ मैं अर्ज़ कर दूँ, बहुत सारी माएँ बहनें आजकल ये ट्रेंड चल गया है बाज़ारों में जाकर के मेहंदियाँ लगवाती हैं, बाज़ारों में जाकर के हाथों पे मेहंदियाँ लगवाती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ जो मेहंदी लगाने वाले हैं वो गैर महरम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे तो गैर मुस्लिम हैं, अगर मुसलमान हैं तो भी वो भी गैर महरम हैं, तो उनके हाथों में हाथ दे करके मेहंदियाँ लगवाते बैठती हैं। याद रखिए कि ये बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई है। और कमाल है उन मर्दों पर कि जो बच्चों को साथ में गोद में लिए हुए खड़े हुए हैं और अपनी मस्तूरात का हाथ दूसरे के हाथ में दे करके मेहंदी लगा रहे हैं। अब वो 10 मिनट से उसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए मज़े ले ले करके वो उनके हाथों पे मेहंदी लगा रहा है, और ये भाई साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई तुम्हारी माँ बहनों के बीवियों के हाथ जो है ना वो दूसरों के हाथ में है। तो अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से बचें, यह बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी है। अगर आपको मेहंदी लगाना ही है तो खुद लगाएं, खुद नहीं आता तो घर की किसी लेडी से लगवाएं, उसको भी नहीं आता है तो और जो औरतें हैं मेहंदी लगाने वाली हैं तो औरतों को बुला करके लगवाएं, मर्दों से ना लगवाएं, बाज़ारों में जाकर के ना लगवाएं जहाँ पे शैतान बैठा हुआ है और अय्याशियाँ, निगाहों के गुनाह और बहुत सारे गुनाह वहाँ पर होती हैं, तो उन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। तो अल्लाह के वास्ते वो चाहे मेहंदी लगाना हो या तो चूड़ी पहनना हो, ऐसे ही चूड़ियाँ जो पहनती हैं तो वहीं उसे वो कहते हैं भैया लो हाथ में डाल दो, अब वो भैया जो है पूरे मज़े ले लेकर के उसको चूड़ी पहनाता है, ऐसे ही मेहंदी लगाने वाला मज़े ले लेकर के मेहंदी लगा रहा है हाथ से, वो पूरा उसके हाथ से टच करता है, मस करता है और वो अपना लज्जत लेता रहता है। तो अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों से बचें। और मर्द हज़रात से भी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते वो आपकी निगरानी में है, कैसे आपकी जो है ना तबीयत इसको गवारा करती है, शर्म हया कहाँ मर जाती है आपकी कि आपके घर की लेडीज़ हैं मस्तूराते हैं और कोई दूसरा हाथों में हाथ लेकर के मेहंदी लगा रहा है, चूड़ियाँ पहनवा रहा है, तो घर में करें ना ये सब चीज़ें। तो ये सारी बेशर्मी, बेगैरती की बातें हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमारी माओ बहनों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। अगर आपने देखिए मेहंदी लगाना ज़रूरी है ईद पे, ये कोई फ़र्ज़ ऐन नहीं है कि आपने फ़र्ज़ ऐन समझ लिया और जा करके मेहंदी लगवा रही हैं, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, इसके बगैर भी ईद हो जाएगी, नए कपड़े पहने बगैर भी ईद हो जाएगी। अगर आपको लगाना ही है तो फिर अपने घर की मस्तूरा से लगवाएं या जो लड़कियाँ हैं उनसे लगवाएं। तो इसलिए मर्दों से लगवाना, बाज़ारों में जाकर के लगवाना ये कतन मुनासिब नहीं है। अल्लाह हम सब की इसे हिफाजत फरमाए। Allah